दिल्ली में कनॉट प्लेस हर किसी की फेवरेट जगह है, चाहे कोई दिल्ली में ऑलरेडी रहता हो या दिल्ली विजिट कर रहा हो। कनॉट प्लेस तो हर किसी ने जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी शॉपिंग प्लेसेस से लेकर फूड स्पॉट से लेकर बहुत अच्छे अच्छे कैफेज, रेस्टोरेंट, सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप सीपी विजिट कर रहे हो और कोई कैफेज, कोई बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स इन कनॉट प्लेस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरन चावला व्लॉग्स। आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई लिस्ट लेकर, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कनॉट प्लेस के बेस्ट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स, जहां पर आप जाकर चाहे डेट प्लान कर लो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, चाहे फैमिली के साथ डिनर प्लान कर लो, हर एक चीज के लिए परफेक्ट है ये सारे कैफेज। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। इस वीडियो में हम कैफेज डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, Z to A। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कैफे स्टार्ट होता है लेटर X से, जिसका नाम है जीरो कोर्टयार्ड। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑब्वियसली राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, जो कि ब्लू लाइन और येलो लाइन के इंटरसेक्शन पे है। आपको एग्जिट करना होगा गेट नंबर 7 से और वहां से 9 मिनट्स वॉक है एंड यू विल रीच जीरो कोर्टयार्ड। जीरो कोर्टयार्ड आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाता है, और जैसे ही आप कैफे के अंदर एंटर करते हो लिफ्ट के थ्रू, तो आपको बहुत सुंदर सा इंटीरियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारी ग्रुप सीटिंग्स हैं, एक अलग से सेक्शन ही बना हुआ है, और यहाँ पर विंडोज वगैरह भी है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड देन व्हेन यू कम इनटू द मेन कैफे, तो वो भी बहुत ज्यादा इन्होंने यूनिक टाइप का, इसकी वाइब ना बहुत हैपनिंग है। बीच में आपको बार काउंटर भी मिल जाता है, और यहाँ की जो स्पेशलिटी है ना, मतलब जीरो डिग्रीज भी आपने विजिट किया होगा आई एम श्योर, तो जीरो डिग्रीज में आपको सिर्फ और सिर्फ इटालियन मिलता है। बट जीरो कोर्टयार्ड इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर। इसके अंदर आपको इंडियन, इटालियन, मतलब मल्टी क्विजीन बेसिकली मिल जाता है, तो आप कुछ भी खाना चाहते हो वो आप खा सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली रेस्ट्रॉ कम कैफे कम लाउंज वाली वाइब है आप यहाँ पर, जबकि जीरो डिग्रीज जो है उसकी प्रॉपर कैफे वाली वाइब है। जीरो डिग्रीज, जीरो कोर्टयार्ड, इनका जो मेन सिंबल है वो विंग्स है, तो यहाँ पर भी आपको विंग्स वगैरह मिल जाते हैं, और बार काउंटर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इनकी एक और जो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है ना, दैट इज़ दिस आउटडोर वाली सीटिंग। मतलब ये प्रॉपर वाला आउटडोर नहीं है, बट इन्होंने बनाया वैसा हुआ है, थोड़ा वेंटिलेटेड सा ऊपर से है, तो ये ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे ही है। एंड इसका ना मतलब नीचे इन्होंने कुछ पेबल्स पेबल्स लगा के काफ़ी इंस्टाग्रामेबल सा ये वाला सेक्शन बना हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर आपको हुक्कास भी मिल जाते हैं, जबकि जीरो डिग्रीज में नहीं मिलता है। जीरो कोर्टयार्ड सीपी के अलावा नोएडा में भी आपको एक ब्रांच मिल जाती है, इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बनाई हुई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट जीरो डिग्रीज सीपी भी हमने कवर किया हुआ है, बट जीरो कोर्टयार्ड था थोड़ा सा, मतलब फैमिली इसको भी टारगेट करता है, जबकि जीरो डिग्रीज इज बेसिकली फॉर फ्रेंड्स। फूड की बात करें तो आपको पता ही है कि जीरो डिग्रीज, जीरो कोर्टयार्ड, ये सब फूड प्रेजेंटेशन के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पिज्जाज हार्ट शेप मिल जाते हैं, फ्राइज जार के अंदर मिल जाते हैं, और शेक्स की तो जो प्रेजेंटेशन मिलती है ना, बाय गॉड, तो आप यहाँ पे कुछ भी खाओ अफोर्डेबल तो ये है ही, तो दिस इज नोन फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड ऑफकोर्स द फूड प्रेजेंटेशन, तो यू कैन टेक एनी थिंग आई एम श्योर यू लव ऑल ऑफ इट। एवरेज कॉस्ट फॉर टू एट जीरो कोर्टयार्ड इज अराउंड 800 to 1000। आवर नेक्स्ट कैफे स्टार्ट्स विद लेटर पी, जिसका नाम है प्लम कॉफी एंड कॉकटेल्स। ये बहुत रिसेंटली ओपन हुआ है, और इसके लिए भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ही है, और यहाँ से आपको गेट नंबर 5 से एग्जिट करना पड़ेगा, वहाँ से सिर्फ 3-4 मिनट्स का वॉक है एंड यू विल रीच प्लम कॉफी एंड कॉकटेल्स। प्लम कॉफी एंड कॉकटेल्स भी आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, आपको स्टेयर्स के थ्रू ही जाना पड़ता है, और स्टेयर्स बट इनकी क्या इंस्टाग्रामेबल बनी हुई है, यहाँ पर आप पिक्चर्स काफ़ी सारी क्लिक करा सकते हो। एंड वेन यू आई एंटर इन टू द कैफ, ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी, और ये बहुत ज़्यादा न्यू है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि मतलब ये है ही इतना सुंदर ना, कि आप कहीं पर भी पिक्चर्स क्लिक कराओ बड़ी सुंदर पिक्चर्स आएंगी। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है प्लम कॉफ़ी एंड कॉकटेल्स, तो यहाँ पर मेन हाईलाइट इज़ अ कॉफ़ी एंड कॉकटेल्स ओनली। तो यहाँ पर बार काउंटर भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर कॉकटेल्स तो प्रिपेयर होती ही होती है, बट अलग से कॉफ़ी काउंटर भी है जहाँ पर लाइव कॉफ़ी भी बनती है आपके लिए, तो आई फील कॉफ़ी लवर्स के लिए तो ये हेवन है। और सीपी जब भी आप विजिट कर रहे हो हैंग आउट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली विजिट करना चाहिए ऑन अ कॉफ़ी डे। इसकी वाइब तो बहुत हैपनिंग है ही, और प्लस इसका ना इंटीरियर बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप का है, जैसे यहाँ पर आपको हाई सोफ़ाज मिल जाएंगे, मतलब हाई चेयर्स तो आपने देखी होंगी अलग अलग जगहों पर, बट हाई सोफ़ाज आपको कहीं पर नहीं मिले होंगे, बट यहाँ पर
5 सोफ़ास मिल जाते हैं, प्लस काफ़ी कलरफुल सा इंटीरियर है, बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप की वाइब है यहाँ पर। एक अलग से ऐसे इन्होंने ना रो टाइप सी बनाई हुई है, तो यहाँ पर भी लैम्प्स वगैरह जल जाते हैं, तो रात को जब लाइटिंग थोड़ी सी मतलब बाहर से विंडोज से लाइटिंग आनी बंद कम होती है तो वो लैम्प्स इतने ज़्यादा लिट अप हो जाते हैं ना, और वो इतने सुंदर लगते हैं। तो ओवरऑल आई फील दिस इज़ द बेस्ट कैफे इन सीपी दिल्ली। फूड की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली कॉफ़ी तो पहले लेनी ही लेनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ की फेमस है। कॉकटेल अगर आप लेते हैं तो कॉकटेल भी ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर गॉर्मे वेज पिज्ज़ाज, वो इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऑल्दो हमें प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट द टेस्ट इज़ गुड। पास्ताज में कुछ लेना है तो यू कैन गो फॉर वोडका पास्ता, वो बहुत अच्छा है, मतलब कुछ यूनिक टेस्ट है उसका, और उसके अंदर वोडका ऐड करते हैं ये लोग। ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती वोडका की, मतलब पता भी नहीं चलता है, बट टेस्ट में ना वो कॉम्प्लीमेंट करता है। प्लम कॉफी एंड कॉकटेल्स में एवरेज कॉस्ट फॉर टू इज अराउंड 1,500 to 2,000। चलते हैं अगले कैफे की तरफ। हमारा अगला कैफे शुरू होता है लेटर आई से, जिसका नाम है इनफॉर्मल बाय इम्परफेक्टो। इसके लिए आपको गेट नंबर 7 से एग्जिट करना पड़ेगा एंड विद इन 10-12 मिनट्स ऑफ वॉक आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इम्परफेक्टो तो एज यू नो कि ये कितनी ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन है, एंड इनफॉर्मल बाय इम्परफेक्टो, ओ माई गॉड, ये सीपी में आई फील पार्टी लवर्स के लिए हेवन है, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली पार्टी प्लेस है। इतनी हैपनिंग वाइब है, लाइव म्यूजिक से लेके डीजे नाइट्स तक सब कुछ होता है यहाँ पे। इनफॉर्मल बाय इम्परफेक्टो तो काफ़ी सालों से एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, मतलब 8-10 ईयर्स ओल्ड है ये, एंड आई फील दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट सीपी दिल्ली। यहाँ पर आपको दो फ्लोर्स मिल जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर तो है ही और ऊपर वाला फ्लोर भी एक है। इनफैक्ट यहाँ पर एक कुछ टेरेस एरिया काइंड ऑफ भी है, बट वो हम अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी उस टाइम पर जब हम गए थे। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए इंस्टाग्रामेबल से स्पॉट्स तो नहीं मिलते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना रेस्टोरेंट है, बट यार यहाँ की जो वाइब है ना, मतलब वो ही आपको ऐसा लगेगा कि आप इसके एम्बियंस में, आप इसके माहौल में लिटरली खो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको LIITs भी मिल जाती हैं, हुक्काज एंड ऑल भी मिल जाते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर बफे भी है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में। जब हम गए थे हमने इसको कवर किया था, बफे जब इनका कवर किया था, इट वॉज़ जस्ट फॉर 499 rupees। तो आप हमारी वो डेडिकेटेड वीडियो चेकआउट कर सकते हो, पर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जब हमने वो बफे की वीडियो डाली ना, तो वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बफे है, मतलब लाइक 499 में आपको अनलिमिटेड फूड मिल रहा है और क्या ही चाहिए। तो वो वीडियो पर आप सबसे इतना ज़्यादा प्यार मिला और यहाँ पर फुटफॉल भी उस वीडियो की वजह से इतना बड़ा ना, तो इनफैक्ट हमें खुद इनपरफेक्टो के मैनेजर का मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे DM आया कि हम आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहेंगे क्योंकि आपकी वजह से हमारा फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो दैट वाज सच अ स्वीट जेस्चर बाय हिम। एंड देन वी वेंट ऑन माय डैड्स बर्थडे, 9 अगस्त को हम लोग गए थे, तब हम डिनर करने गए थे एंड इट वॉज सो गुड। तब तो DJ नाइट एंड ऑल हो रही थी, एंड जब हम बफे में गए थे तब यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा था एंड एवरीवन वाज डांसिंग, लाइक मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी हैपनिंग वाइब थी ना। एक एक बंदा टेबल पे डांस कर रहा है, अपना पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो इट्स सो सो गुड एक्चुअली, क्योंकि सब डांस कर रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा मतलब मूड ना आकर रिफ़्रेश हो जाता है। तो कुछ अगर आपको भी अपना मूड रिफ़्रेश करना है, पार्टी करनी है, हैपनिंग वाइब चाहिए, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली विजिट करना चाहिए व्हेन एवर यू आर अराउंड। अनफॉर्चुनेटली अब वो बफे प्राइस 499 से लेकर 699 हो चुका है क्योंकि वही ऑब्वियसली फुटफॉल बढ़ गई थी तो लोग ज़्यादा आने लग गए तो प्राइस तो बढ़ना ही था। बट ये आपको एक्चुअली लंच बफे ही मिलता है, डिनर बफे नहीं है। डिनर में आपको आला कार्ट ही लेना पड़ता है, या फिर अगर आप पार्टी करना चाहते हो, पहले से रिजर्वेशन करा रहे हो, तो आप पर हेड बेसिस पर यहाँ पर अपने लिए बुकिंग करा सकते हो, पे कर सकते हो। अगर आप एक दो लोग ही हो या फिर रिजर्वेशन करा के नहीं आ रहे हो, तो फिर आपको डिनर में आला कार्ट ही लेना पड़ेगा, आपको बफे नहीं मिलेगा। बफे सिर्फ लंच में अवेलेबल है 1 to 4 PM एवरी डे, ऐसा नहीं है कि वीकेंड्स पे नहीं है, सिर्फ वीकडेज पे है। हर रोज मिलेगा और हर रोज आपको लाइव म्यूजिक मिलेगा, रात को तो DJ नाइट्स, ढोल नाइट्स, पता नहीं क्या क्या मिलेगा यार, क्योंकि मतलब ये क्या है ना, आपको मेरी बातों से ही पता चल रहा है, मेरी खुशी से ही पता चल रहा है कि जाकर ना आपको अलग ही वाइब आने वाली है, आप बिल्कुल खो जाओगे यहाँ पे। तो डेफिनेटली मस्ट विजिट है आई फील। फूड की बात करें तो यहाँ पर मल्टी क्विजीन तो है ही, बाकी हमने मेनली इनका बफे ही कवर किया हुआ है। डिनर में भी जब हम लोग गए थे तो भी यहाँ पर बफे ही था, मतलब तब तो ऑन टेबल सर्व हुआ था, अदरवाइज यहाँ पर बफे लगा होता है लंच में अगर आप जाओगे तो। वो डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, आई एम श्योर आपको वो बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट फॉर टू इज़ अराउंड 1,200 to 1,500।
आर सेकेंड लास्ट कैफे स्टार्ट्स विद लेटर एच, जिसका नाम है हार्ड रॉक कैफे। इसके लिए भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ही है। गेट नंबर 5 से आप एग्जिट करेंगे, 5 मिनट्स वॉक करेंगे एंड यू विल रीच हार्ड रॉक कैफे। हार्ड रॉक कैफे ना एक US बेस्ड ब्रांड है और इसकी आपको पूरी बिल्डिंग मिल जाती है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इनका कुछ स्टोर है, वहाँ से आप कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी जो मेन कैफे है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक है, तो काफ़ी सारे फ्लोर्स तो यहाँ पर है ही। अगर अब हम बात करें यहाँ फर्स्ट फ्लोर के एम्बियंस की, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना हुआ है। यहाँ पर आपको स्क्रीन्स तो हर जगह देखने को मिल ही जाती है। और हार्ड रॉक कैफे की जो एक स्पेशलिटी है ना, दैट इज़ कि ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, हार्ड रॉक, मतलब रॉक म्यूज़िक लवर्स के लिए दिस प्लेस इज़ हेवन। तो अगर आपको रॉक म्यूज़िक पसंद है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रॉक म्यूज़िक प्ले होता रहता है और कई बार ये लोग लाइव रॉक बैंड परफॉर्मेंसेज भी कराते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर विजिट करके। और यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के कलेक्टेबल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे मर्च वगैरह होते हैं, उनके शूज़ हैं, कुछ भी कलेक्टेबल्स हैं जो उन्होंने हार्ड रॉक कैफे को दिए हुए हैं अपने डिस्प्ले करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिल जाते हैं। तो इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिखा भी हुआ है इन सब के बारे में। सारी आइटम्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिल जाती है, तो ये मतलब उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जिनको सेलिब्रिटीज़ के कलेक्टेबल्स देखने का शौक होता है, या कई लोग होते हैं ना जिनको म्यूज़िक और सेलिब्रिटीज़ के मर्चेस ये सब बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मतलब ये कैफे सिर्फ खाने के लिए नहीं, और चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए भी बना है, जैसे म्यूज़िक, सेलिब्रिटीज़ के कलेक्टेबल्स एंड एम्बियंस तो इसका बहुत अच्छा है ही। ऊपर से भी आप देखोगे ना, और भी जो फ्लोर्स हैं वहाँ से आपको बालकनी सीटिंग वगैरह भी मिल जाती है, ये सब अलग से रिजर्व हो जाते हैं, तो एक फ्लोर से आपको दूसरे फ्लोर का भी दिख जाता है अलग से। यहाँ पे लाइव स्टेज भी बना हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बताया लाइव रॉक बैंड परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो ये सब भी कुछ यूनिक है। हार्ड रॉक कैफे आपको काफ़ी सारी सिटीज़ में मिल जाता है इंडिया के अंदर, जैसे हैदराबाद में है, दिल्ली के अंदर CP में मिल रहा है आपको, मतलब हर सिटी में इन्होंने एक एक बनाया हुआ है, तो कोलकाता में, मुंबई में, बैंगलोर में, तो अलग अलग सिटीज़ में भी आपको मिल जाता है हार्ड रॉक कैफे। अगर आप रॉक म्यूज़िक लवर हो तो आई थिंक आपको डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करना चाहिए। एंड सिंस ये CP में है, तो ऑब्वियसली CP तो हर कोई विजिट करता ही है, तो जब भी CP आओ यहाँ पर ज़रूर आओ। फूड की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन क्विजीन ही मिलता है, और कोई क्विजीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये US बेस्ड ब्रांड है। तो यहाँ पर आपको प्लेटर्स वगैरह भी मिल जाती है, कि अगर आपको अलग अलग कुछ नहीं लेना है तो एक ही प्लेटर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है जो हमने ट्राई करी थी। मतलब इसके अंदर बुरशेटास, अनियन रिंग्स, स्प्रिंग रोल्स, अलग मतलब जो अमेरिकन वाले स्प्रिंग रोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एक प्लेटर के अंदर। इसके लिए आप हमारी डेडिकेटेड वीडियो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हमने पूरा फूड रिव्यू किया है, एक हमने ड्रिंक भी ली थी, उस वीडियो में मिल जाएगी, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। हार्ड रॉक कैफे में भी एवरेज कॉस्ट फॉर टू इज अराउंड 1,200 to 1,500। फाइनली चलते हैं इस लिस्ट के लास्ट कैफे की तरफ, जो कि शुरू होता है लेटर डी से, जिसका नाम है डिगिन कैफे। इसके लिए नियरेस्ट गेट है गेट नंबर 1, वहाँ से आपको 3-4 मिनट्स वॉक करना है और आप पहुँच जाएंगे डिगिन कैफे। डिगिन कैफे भी आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, आपको स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, बट स्टेयर्स इनकी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल बनी हुई है। इनफैक्ट आपको पता है कि डिगिन कैफे तो पॉपुलर ही अपने इंस्टाग्रामेबल एम्बियंस के लिए है, काफ़ी सारे इसके आउटलेट्स हैं दिल्ली के अंदर, हमने सारे ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं, तो उनकी आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ मिल जाएगी, वो चेकआउट कर लेना। बाकी जो CP वाला आउटलेट है ना, ये आपको सिर्फ इंडोर मिलता है, अदरवाइज़ बाकी सारे डिगिन्स इनके आउटडोर भी हैं, बट यहाँ पर सिर्फ इंडोर ही है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है ये, छोटा सा ड्रिंक्स काउंटर भी मिल रहा था आपको यहाँ पे, और इंस्टाग्रामेबल तो ये हर एंगल से है, यहाँ पर विंडोज़ वगैरह है, काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह आप क्लिक करा सकते हो, और कुछ एंटीक से पीसेस वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, जैसे टेलीफोन्स वगैरह हैं, थोड़ी विंटेज वाइब्स हैं, टेबल फॉर टूज, टेबल फॉर फोर्स काफ़ी सारे हैं, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी हैंग आउट प्लेस है CP के अंदर, तो कनॉट प्लेस अगर आप विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आ सकते हो, बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर हमेशा वेटिंग मिलेगी, चाहे आप कभी भी आओ, वेटिंग ही होती है यहाँ पे। मतलब हम भी 3-4 बार आए हैं यहाँ पे, बट वही है कि वेटिंग हमेशा मिली है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन वेटिंग नहीं है और हम फर्स्ट टाइम में यहाँ पर आ गए। डिगिन कैफे में आपको फूड में इटालियन क्विजीन मिल जाती है, और सब कुछ बहुत टेस्टी है, अगर आपको ऑथेंटिक इटालियन क्विजीन खाना है ना, तो आपको यहाँ का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। पिज्ज़ाज और मस्ट ट्राई, पास्ता ले सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अच्छी हैं, तो आप हमारी डिफरेंट डिगिन की वीडियोज़ देखोगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का रिव्यू भी है उसके अंदर, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो।
बाकी एड्रेसेस सारे कैफेज जो भी अभी तक हमने डिस्कस करे ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो सब आप चेकआउट कर लेना। वीगन कैफे की एवरेज कॉस्ट फॉर टू इज अराउंड 1,200 to 1,500। तो ये थे सारे टॉप 5 बेस्ट कैफेज इन सीपी दिल्ली। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से सबसे अच्छा कैफे कौन सा लगा, आपने पहले यहाँ पर विजिट किया है या नहीं, या कौन से वाले में आप विजिट करना चाहोगे। बाकी हमने और भी इसके अलावा लिस्ट वगैरह कवर करी हुई है, आपने देखा इस वाले लिस्ट में भी हमने ज़्यादातर अंडर 1,000-1,500 तक के ही सारे कैफेज रखे हैं, जो कि मतलब अफोर्डेबल होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली में आ ही जाते हैं। तो अगर आप और भी इससे भी ज़्यादा बजट फ्रेंडली कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, अफोर्डेबल कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, तो आपको ऊपर कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा, वो सारी लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करने हैं, जो कि आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि यार जिनके साथ आप सीपी जाते रहते हो या जाने वाले हो उनको भी ये वीडियो दिखाओगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आप इकट्ठे प्लान कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं अपने घर, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। Till then, take care and bye-bye.